हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम लोग देख रहे होंगे बेसिक सेलेक्टर के बारे में। पहले मैं इसके टाइप्स बता देता हूँ, देन फिर इसका यूज़ बताऊँगा। जैसे कि बेसिक सेलेक्टर चार तरीके के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारा यूनिवर्सल, सेकंड क्लास, थर्ड आईडी एंड फोर्थ एलिमेंट सेलेक्टर, ठीक है, जिसको हम टैग सेलेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। पहले हम बता देते हैं सिनेरियो होता क्या है, कि जितने भी सेलेक्टर होते हैं वो स्टाइल देने के यूज़ में आते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा मान लीजिए यहाँ पर एक एलिमेंट है, ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर हेलो वर्ल्ड, वर्ल्ड, ठीक है। सो इस हेलो वर्ल्ड को किस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट पे स्टाइल करेंगे, तो इसका एक स्पेसिफिक नाम होगा, किसी टैग के अंदर होगा, ठीक है, H1 टैग के अंदर होगा या फिर H टैग, समथिंग, कुछ भी टैग के अंदर होगा। तो इस टैग को टारगेट करते हैं और उसके बाद इसको स्टाइल करते हैं, इसके अंदर के एलिमेंट को। तो इसको टारगेट करने के लिए हमारे पास बेसिकली यूनिवर्सल सेलेक्टर है, क्लास, आईडी एंड एलिमेंट, जो कि टैग सेलेक्टर होता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर। सो अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सल सेलेक्टर की, तो कुछ उसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। ये सिंटैक्स है जिसमें ये हमारा यूनिवर्सल सेलेक्टर है, ठीक है। स्टार का मतलब क्या होता है गाइस, कि सेलेक्ट ऑल, इसका मतलब ही होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है सेलेक्ट ऑल। और ये कर्ली ब्रेसेस तो आप लोगों को पता होगा कि कर्ली ब्रेसेस में जितने भी कोड लिखे जाएंगे, ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं, वो एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। और यहाँ पर एट्रीब्यूट होता है, ठीक है, और उसका ये वैल्यू होता है। बेसिकली अगर क्या होता है कि मान लीजिए जैसे हम यहाँ पर कलर लिख दें, ठीक है, और यहाँ पर सेमी कॉलन, सॉरी कॉलन दे दें और उसका वैल्यू दे दें, ठीक है, तो ये वैल्यू असाइन हो जाएगा कलर पर और वो उसके बाद ब्लॉक ऑफ कोड खत्म होगा, देन वो एग्जीक्यूट होकर वहाँ पर इफेक्ट कर जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे ये, तो ये हमारा सेलेक्टर हो गया, जिसको हम बोलते हैं सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल, एंड इसी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर, ठीक है। और ये हमारा ब्लॉक ऑफ कोड हो गया और यहाँ पर ये वैल्यू, तो यहाँ पर ये असाइन हो गया कलर पे। और मान लीजिए यहाँ पर H1 टैग है, H1 टैग है और यहाँ पर हेलो लिखा हुआ है, तो ये वाइट हो जाएगा, ठीक है। सेलेक्ट ऑल का मतलब क्या होता है, कि जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट में, HTML के डॉक्यूमेंट में, ठीक है, जितने भी टैग प्रेजेंट होंगे, चाहे वो H1 हो, किसी भी तरीके का, ठीक है, वो सबको सेलेक्ट कर लेगा। मैंने बोला सेलेक्ट ऑल, दैट मीन्स सेलेक्ट ऑल टैग्स, इसका बेसिकली मतलब होता है सेलेक्ट, सेलेक्ट ऑल टैग्स, ठीक है, ये मतलब होता है। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट है क्लास सेलेक्टर। सो क्लास सेलेक्टर का अगर मैं सिंटेक्स आप लोग को दिखाऊं, तो क्लास सेलेक्टर का सिंटेक्स ये होता है, जिसमें ये क्लास नेम होता है और ये हमारा क्लास सेलेक्टर, ठीक है, जिससे हम जान सकते हैं क्लास आइडेंटिफिकेशन इसको बोल सकते हैं। और ये फिर से वही ब्लॉक ऑफ कोड वाला, तो वैल्यू असाइन हो जाएगा इस पे और इफेक्ट कर जाएगा। सो बेसिकली अगर हम लोग देखें कि इस चीज़ों को यूज़ कैसे करते हैं, तो मैं एग्जांपल के मदद से आप लोग को समझाता हूँ कि कभी भी मान लीजिए ये आइडेंटिफिकेशन की क्लास में हम लिखें, ठीक है, हमारा HTML का डॉक्यूमेंट होगा, जैसे यहाँ पर H1 है, ठीक है, तो इसी के अंदर हम क्लास लिखेंगे, ठीक है, और वहाँ इक्वल टू में डबल कोट के अंदर हमारा क्लास नेम जाता है, ठीक है, और फिर ये बंद और यहाँ पर हमारा हेलो, ठीक है, तो ये इफेक्ट इस पे कट जाएगा। तो यहाँ पर जो भी हम क्लास नेम देंगे वो इफेक्ट करेगा, जैसे यहाँ पर हेडिंग है तो हम यहाँ पर हेडिंग दे देंगे, हेडिंग। और इस क्लास नेम को किससे जाना जाता है, डॉट ऑपरेटर से, ठीक है, याद रखिएगा इस डॉट ऑपरेटर से। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है हमारा आईडी सेलेक्टर, सेम एज इट इज क्लास सेलेक्टर की तरह है, ठीक है, जहां पर हम डॉट ऑपरेटर लगाते हैं वहां पर हम हैश ऑपरेटर लगाएंगे, ठीक है। हैश दैट मीन्स यूनिक सेलेक्टर। हैश की अगर मैं बात बताऊं, तो हैश एक यूनिक सेलेक्टर होता है, ठीक है, इसको हम यूनिक सेलेक्टर भी बोलते हैं। इसका यूज मैं बताऊंगा और इसमें इसका एडवांटेज बताऊंगा, ठीक है। जैसे कि हमारा क्लास सेलेक्टर है और हैश सेलेक्टर, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सो अगर डिफरेंस की बात करें, ठीक है, तो जो आईडी सेलेक्टर होता है वो हम एक पेज में, ठीक है, एक वेब पेज में एक ही बार यूज कर सकते हैं, एक पेज में एक ही बार यूज कर सकते हैं, जबकि हमारा जो क्लास सेलेक्टर है वो मल्टी टाइम यूज कर सकते हैं। चलिए मैं आप लोग को इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। ये हमारा हैश यूनिक सेलेक्टर, हैश नेम दैट मीन्स आईडी नेम, और उसके बाद ब्लॉक ऑफ कोड, जो कि हमारा ये वैल्यू यहाँ साइन होगा
और हमारे एक्चुअल कोड पर इफेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा टैग सेलेक्टर या फिर एलिमेंट सेलेक्टर जिसको बोलते हैं। तो सिंपल, इसमें कुछ नहीं हमको लगाना है, सिर्फ टैग नेम एंड दैट ब्लॉक ऑफ कोड, जैसे हमारा एग्जाम्पल ही है। ठीक है, मैंने यहाँ पर कुछ नहीं लगाया है, ठीक है, हमारा डॉट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ टैग का नेम, जैसे हमारा हमने लिखा है यहाँ पर पी टैग, दैट मीन्स पैराग्राफ टैग, और यहाँ पर मैंने हेलो लिखा, और यहाँ पर पी क्लोज, ठीक है। तो सिंपल ये जो टैग है ये टैग नेम हो गया, बस इसी को बोलते हैं टैग नेम या फिर एलिमेंट नेम, ठीक है, ये इफेक्ट कर जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका प्रैक्टिकल और अच्छे से जानते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ पर वीएस कोड एडिटर ओपन कर लिया है। ठीक है, सो हम क्लास 3 के अंदर आते हैं, एक फाइल बनाते हैं, ठीक है, और इसका नाम लिख रखता हूँ मैं सेलेक्टर, सेलेक्टर्स डॉट HTML। ठीक है, मैंने सेव किया और यहाँ पर ये आ गया। मैं बॉयलर प्लेट ले लेता हूँ, इसको अवॉइड करें गाइस, ठीक है, मेटा को, और मैं यहाँ पर हेडिंग टैग ले लेता हूँ H1। ठीक है, और मैं इन पेज स्टाइलिंग यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, मैं स्टाइल स्टाइल के अंदर H1 को टारगेट करता हूँ। ठीक है, मैं लिखा कलर रेड। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद आप लोग को मैं चेक कराता हूँ। मैंने सेव किया और ये देखिए गाइस इफेक्ट आ गया। मैं यहाँ पर एक पी टैग ले लेता हूँ, इसके अंदर मैं हेलो वर्ल्ड डाल देता हूँ, और एक और H1 टैग ले लेता हूँ, इसके अंदर मैं हेडिंग हेडिंग 2 डाल देता हूँ। ठीक है, इसको मैं सेव करके आप लोग को दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमारा आ रहा है हेलो वर्ल्ड, ठीक है, जबकि हमने यहाँ पर H1 मतलब टारगेट कौन हो रहा है, ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं क्लास बना लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे कोड देना है, तो मैं इसको सिंपल इसी तरीके से रखता हूँ ताकि आप लोग को कोड दे सकूँ मैं सही से। मैं क्लास बना लेता हूँ, तो क्लास मान लीजिए हम इस हेडिंग के अंदर क्लास बना लेते हैं। क्लास हमारा एट्रीब्यूट हो गया, डबल कोट के अंदर हमने क्लास नेम लिखना है, तो मैं लिख देता हूँ क्लास 1। ठीक है, क्लास 1 नाम का हम एक क्लास बना लिए, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, डॉट ऑपरेटर के साथ क्लास का नेम, कर्ली ब्रेसेस, और हम अब टारगेट करेंगे कलर इक्वल टू चारकोल ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, और मैं सेव करके दिखाता हूँ, देखिए चारकोल आया, ये रहा हमारा चारकोल, जबकि एक हेडिंग हमारा एकदम ब्लैक है। क्यों? क्योंकि हमारा वो क्लास नहीं है, है ना। अगर मैं इसको क्लास दे दूँ, ठीक है, क्लास क्लास 1, देन आप लोग देखिएगा इस अपेयर हो गया, ये इफेक्ट किया। ठीक है, तो अगर मैं क्लास टैग से टारगेट करूं, तो जिस जहां जहां पर भी क्लास होंगे उन सब पे इफेक्ट नजर आ जाएगा। ठीक है, इवन मैं अगर पी टैग पे भी क्लास दूं, ठीक है, तो उस पे भी आ जाएगा क्लास 1, देखिए आ गया इफेक्ट। सो आई होप लोग समझ चुके हैं गाइस। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, क्लास हमारा हो गया, मैं आईडी ले लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर आईडी लगा देता हूँ, तो मैं पी टैग के अंदर, मैं पी टैग को यहाँ हटा देता हूँ, और मैं यहाँ पर फिर से पी टैग क्रिएट करता हूँ, जिसमें हेलो HTML कर देता हूँ, HTML। ठीक है, और पहले मैं आप लोग को चेक कराता हूँ, देखिए हेलो HTML आ चुका है। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर एक आईडी लगाता हूँ, दैट मीन्स आईडी इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर आई डी नेम। तो मैं यहाँ पर आई डी नेम ही नाम का यहाँ पर एक उसका नेम डाल देता हूँ, आई डी नेम। आप टोटली फ्री हो, कैसा भी नाम रख सकते हो। तो मैं यहाँ पर हैश टैग के साथ आई डी नेम कर देता हूँ, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर कलर इक्वल्स टू एक्वा कर देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग को मालूम चलेगा, देखिए
दिख रहा है गाइस आप लोग को? तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। रहा और यूनिवर्सल सेलेक्टर का, यूनिवर्सल सेलेक्टर के लिए हम लोग स्टार ऑपरेटर लेते हैं। तो मैं स्टार ऑपरेटर ले लेता हूँ, दैट मीन सेलेक्ट ऑल, और मैंने लिखा जितने भी हैं, ठीक है, जितने भी हैं, जितने भी टैग हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग कुछ भी लिखें, वो सारे का कलर क्या होना चाहिए? ब्लू करना है, ठीक है। तो नहीं हुआ, हो गया, देखिए गाइस हो चुका है, आ चुका है ना, ये सारे का कलर ब्लू हो चुका है। और एक मैं इन सब में से हटा देता हूँ क्लास वगैरह, ठीक है। तो आप लोग देखना गाइस, ये सारे को सेलेक्ट कर लेगा, देखिए गाइस वो सबको सेलेक्ट कर लिया उसने, ठीक है, चाहे वो कोई भी टैग हो, ठीक है, स्पेसिफिक उसका नाम नहीं, सबको टारगेट कर लेगा हमारा यूनिवर्सल सेलेक्टर। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा गाइस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे सेलेक्टर को मतलब हैक कैसे किया जाता है, ठीक है, उसके कुछ हैक्स होते हैं, ठीक है, कि हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। पहले मैं यूज़ करना बताऊंगा, ठीक है, कुछ 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 एट्रीब्यूट्स बताएंगे हम लोग, और उसके बाद उसका हैक्स बताएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।